हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। करंट अफेयर्स की ये तीसरी क्लास है, तो बिना देर के हुए हम लोग डायरेक्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको 1 मई के बारे में बताया था कि ये लेबर डे मनाया जाता है, 2 मई के बारे में भी बताया था, आज मैं 3 मई के बारे में आपको बता दूँ। 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड अस्थमा डे के तौर पर। याद रखिएगा, मई का जो 1st ट्यूसडे आता है उस डे को जो है रिजर्व किया गया है वर्ल्ड अस्थमा डे के लिए। तो इस बार जो है 3 मई को अस्थमा दिवस मनाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1998 में ये पहली बार मनाया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। तो चलिए करंट अफेयर्स हम लोग शुरू करते हैं, और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इन विच स्टेट आयुष मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेज योगा उत्सव। योगा उत्सव जो है आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, नागालैंड, दिल्ली, मिजोरम या फिर आसाम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आसाम में जो है हम लोग आयुष मिनिस्ट्री जो है वो योगा डे सेलिब्रेट करेगी, योगा उत्सव करेगी। देखिए, कुछ क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, तो मैं आपको बता दूँ आने वाला जो टाइम है ना, एक्चुअली ये चला गया है, 8th इंटरनेशनल योगा डे 2022 को मनाया गया है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और पहली बार, देखिए नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा, फर्स्ट टाइम जो है योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया गया था, और योगा डे कौन से डे को सेलिब्रेट किया जाता है, किस महीने के किस तारीख को, नीचे कमेंट करके आप बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इंडिया ने फार्मा यानी कि दवाइयाँ वगैरह जो है, हम लोग ना एक्चुअली आपको जानकर बहुत प्राउड फील होगा कि हम लोग दवाइयाँ बेचने में सबसे आगे हैं। हम लोग यूरोप में, यूरोपियन कंट्री को भी हम लोग दवाइयाँ बेचते हैं, अमेरिका को भी बेचते हैं दवाइयाँ, इवन पाकिस्तान जो हम लोगों से मुंह फुलाए बैठा है उसको भी दवाइयाँ हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो पूछा गया है कि कितने परसेंट की जो है ग्रोथ रेट देखने को मिली है 2013 से 2024 के बीच में। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ से आप देख लो। सबसे पहले आप यहाँ से देख पाओगे 103% जो है पिछले 8 साल में जो ग्रोथ रेट है वो 103% हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम लोगों के लिए एज अ नेशन। हम लोग जो है पूरे वर्ल्ड को दवाइयाँ जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए, एक्चुअली इनवैलिड क्वेश्चन है, कोरोना को लेकर अब शायद ही कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। वियतनाम और कौन सी वो कंट्री है जिन्होंने जो है अपने रिलेशन को, अपने सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए नए नए साइन को जो है बढ़ावा देने के लिए दोनों कंट्री जो है एग्री कर गई है, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया या जापान? तो देखिए, वियतनाम का दुश्मन चाइना, जापान का दुश्मन चाइना। अब बोलोगे जापान दुश्मन तो नहीं है, लड़ाई तो नहीं कर रहे? देखिए, एक्चुअली ये होता नहीं है। चाइना जो है हमेशा जो है बहुत सारे लैंड को, आइलैंड को जो है जापान के आइलैंड पे अधिकार जमाना चाहता है, और वियतनाम के साथ भी चाइना का जो है वो 19 का ही आंकड़ा है, 26 का भी आंकड़ा है। तो एक्चुअली 36 का आंकड़ा करेक्ट है, मैंने 2 बार गलत बोल दिया। खैर, फिलहाल जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और किशिदा जो कि जापान के करंट पीएम है, याद रखिएगा इनके पीएम का नाम भी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री रीओपेंस टू टूरिस्ट आफ्टर 2 ईयर पैंडेमिक लॉकडाउन। याद रखिए, बहुत ही कम कंट्री थे जिन्होंने बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन और कंप्लीट जो है अपने आप को कट करके रखा था वर्ल्ड से, और वो कंट्री थी न्यूजीलैंड। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि न्यूजीलैंड ने ना 2 साल के बाद रीओपन करी, अलग अलग कंट्रीज़ को अपने यहाँ आने के लिए जो है खोल दिया, जो भी लॉकडाउन वगैरह थी उन लोगों पे जो प्रतिबंध बैन लगा रखा था उसे रीओपन कर दिया। तो ये कंट्री है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के पीएम का नाम आपको नीचे कमेंट करके बताना है। वो एक वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं और बहुत ही पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वो कौन से सीएम हैं जो कि जो देखिए एक्चुअली पॉन्ड्स होते ना, तालाब जिसे आप बोलते हो, इसको रिवाइव करना चाहते हैं, इसको फिर से जो है आम लोगों के बीच में मशहूर करना चाहते हैं, पुनर्जीवित करना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के सीएम, हरियाणा के सीएम, महाराष्ट्र या राजस्थान के सीएम? एक्चुअली जो चारों ऑप्शन है ना, देखिए उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम क्या है, योगी आदित्यनाथ, याद रखिएगा आपको तो पता ही होगा। हरियाणा के सीएम कौन है, खट्टर साहब, मनोहर लाल खट्टर। महाराष्ट्र के सीएम कौन है, अभी शिंदे साहब बने हैं। और राजस्थान के सीएम हैं, ये जो हैं गहलोत साहब हैं।
तो ये ऑप्शन फिलहाल जो राइट आंसर होगा वो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि आपके सामने ये रहा, यहाँ से आप मनोहर लाल खट्टर की इमेज भी देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, पीएम मोदी जो है कौन से, देखिए क्या वो 2, 4, 5 या 3 कंट्री को, जो यूरोप के कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ हैं उसको विजिट करेंगे। तो देखिए ये बहुत ही हिस्टोरिकल विजिट था, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कोरोना के कारण सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई थी, उसके बाद पीएम मोदी 3 जो कंट्री है उसको विजिट करेंगे और यहाँ से बहुत सारा पैसा इंडिया में इन्वेस्ट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जीके, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे उन्होंने 3 अलग अलग यूरोपियन कंट्री को विजिट करा था, जर्मनी वाज द वन ऑफ देम, और उसके बाद वो फ्रांस भी गए थे, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों, और ये फिर से एक बार इलेक्शन जीत चुके हैं। ये क्वेश्चन बार बार आएगा एग्जाम में, क्योंकि फ्रांस हम लोगों के साथ बहुत ही स्ट्रेटेजिक टाइज बढ़ाते जा रहा है और हम लोग डिफेंस डील भी फ्रांस के साथ कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे, आपको बस ये बताना है कि रिसेंटली किस स्टेट के सीएम ने ट्रिब्यूट पे किया है सेक्रीफाइस करने वाले, देखिए यहाँ से उनके नाम को आप देख सकते हो, संयुक्त आंदोलन के लिए जिन लोगों ने भी सेक्रीफाइस किया है अपने लाइफ को उसको इन्होंने जो है ट्रिब्यूट दिया है, झारखंड के सीएम, उड़ीसा के सीएम, मध्य प्रदेश के सीएम या महाराष्ट्र के सीएम। तो मैं आपको बता दूं ये पुराना करंट अफेयर्स है, तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है, लेकिन महाराष्ट्र के नए सीएम कौन है, सिंधे साहब हैं। झारखंड के सीएम कौन है, हेमंत सोरेन है। उड़ीसा के सीएम कौन है, नवीन पटनायक हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान है, याद रखिएगा इन सारे क्वेश्चंस को। तो ये मैंने सारे सीएम के नाम भी आपको बता दिए, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ें उससे पहले आपको एक सूचना दे दूँ, अगर आप AWES यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो और CSB में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो देखिए आप सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी अमाउंट पे कर सकते हो, 699 रुपये का। इसमें आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स साथ में 100 रुपीज़ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अब आप बोलोगे कि ले कहाँ से क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsinghat@gmail.com पे मेल कर लीजिए, इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsinh। तो चलिए सूचना समाप्त हो गई, जिन्हें पेपर चाहिए वो ले सकते हैं। मैंने आर्मी स्कूल 3 दफ़ा क्रैक भी किया है, 3rd time, 3 in a row, और कुछ समय वहाँ पे काम भी किया है, I am right now in a different institute। तो फिलहाल मैं आपको बता दूँ यहाँ जो राइट आंसर होगा, एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं, पढ़ देता हूँ पहले, आपको बस उस कंट्री का नाम बताना है जिन्होंने सऊदी से 8 बिलियन का पैकेज लेकर आए हैं, शहबाज शरीफ। तो आपको पता ही होगा शहबाज शरीफ जो है इमरान खान के बाद नए पीएम बने हैं, कहाँ के, पाकिस्तान के, पाक के ये नए पीएम हैं। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पाकिस्तान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से आप शहबाज शरीफ की इमेज भी देख सकते हो, नवाज शरीफ के ये छोटे भाई, नवाज शरीफ आपको पता ही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, कौन सा कंट्री जिन्होंने एक्सपोर्ट 100 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल को जो है अप्रैल में अलग अलग कंट्री को इन्होंने बेचा, आपको ये बताना है, अमेरिका, इराक, रसिया या UAE। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो है इराक। इराक ने बहुत सारे तेल को जो है वर्ल्ड में बेचा है और 100 मिलियन बैरल से भी ज़्यादा सिर्फ अप्रैल के मंथ में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इराक इज द राइट आंसर। और फाइनली द क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे की बारी है, मैं यहाँ से आपको देखो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बहुत काम की ये करंट अफेयर्स है। चलिए एक एक करके सारे करंट अफेयर्स को देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसेस द, देखिए आपको बस ये बताना है कि चीफ मिनिस्टर के साथ साथ और चीफ जस्टिस के साथ जो है एक मीटिंग अरेंज की गई थी और उसको चेयर किसने करा था, उसको चेयर करा था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज द ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इसका जो राइट आंसर है ये नीति आयोग है, और नीति आयोग के करंट जो चीफ हैं उनका नाम आप लोग जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट विच कंट्री प्लान्स टू बाय ऑल द टॉप साइंटिस्ट ऑफ रसिया टू डिस्ट्रॉय द रसिया डिफेंस सिस्टम। देखिए ये रसिया और USA, याद रखिएगा ये दो ऐसी कंट्री है ना जो चूहे बिल्लियों का खेल इन दोनों के बीच में चलता रहता है। रसिया वाले USA के लोगों को खरीद लेते हैं और USA वाले रसिया लोगों को खरीदते हैं, और ये रैट रेस चल रही रहा है, ये कैच 22 की सिचुएशन है वहाँ के साइंटिस्ट के लिए कि कंट्री के लिए काम करें या पैसे ले लें, तो ये सिचुएशन चलता रहता है। थैंक गॉड हम लोगों के कंट्री में फिलहाल वैसी कोई मुसीबत नहीं आई है। तो वीडियो को यहीं पर करेंगे समाप्त,
और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर लेंगे। नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वंटी का बटन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।